Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all to the second annual prize distribution function of the Vedic Era Public School. लगभग दो साल पहले हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्कूल के पहले एनुअल फंक्शन में वो कर दिखाया जो सोनीपत शहर के लिए एक मिसाल बन गई. Our children are very talented. They can be very good dancers, singers, painters, musicians, sportspersons. But most of us are bent upon making them doctors and engineers only. यह एक कड़वा सत्य है जिसे आई एम श्योर आप सभी मानेंगे. आज के एनुअल फंक्शन का थीम हमें प्रेरणा देता है कि हमें बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करना चाहिए. द वैदिक एरा पब्लिक स्कूल स्टार्टेड इन द ईयर 2008. इस स्कूल ने कुछ सपने देखे, चाहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, उनके सर्वांगीण विकास की ओर कुछ प्रयास किए जाएं. आज मैं उन अधूरे सपनों को पूरा होते हुए देख रही हूं और सोच रही हूं कि अभी अभी दर्शाया गीत जो है आज अधूरे होंगे वो सपने पूरे, छाए लाख निराशा टूटे ना मन की आशा. ओ यह गीत हमारे स्कूल और हमारे लिए पैदा हुई परिस्थितियों के कितना अनुकूल है. In the past 2 to 3 years, there has been a tremendous pressure put on us by the parents for the further expansion of the school. Seeing the school achieving the benchmark so fast, many of our well-wishers inspired us to grow up into a bigger school so that we are able to provide quality education to the students of Sonipat. Humne पेरेंट्स की इस इच्छा का आदर करते हुए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया. लगभग एक साल पहले द वैदिक इरा पब्लिक स्कूल ने 5 एकड़ जमीन खरीदकर यह घोषणा की कि अब हमारे बच्चों को फर्दर एजुकेशन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. मैं बड़े हर्ष के साथ आपको यह बताना चाहूंगी कि स्कूल द्वारा खरीदी गई जमीन पर अब एक भव्य 2 मंजिला इमारत खड़ी की जा चुकी है. फरवरी 2012 तक हम नई बिल्डिंग में बच्चों को स्वागत करने के लिए तैयार होंगे. इफ वी टॉक ऑफ द एक्टिविटीज कंडक्टेड इन द स्कूल, आवर चिल्ड्रन वर इन्वॉल्व्ड इन वेरियस एक्टिविटीज, कॉम्पिटिशंस एटसेट्रा इन द लास्ट 2 सेशंस. रामायण पर आधारित क्विज का आयोजन इन्हीं एक्टिविटीज में से एक है. जरा सोचकर देखिए कितनी हैरानी की बात है कि हमारे स्कूल के PP3 क्लास में पढ़ने वाले मात्र 5 साल के बच्चे को इस बात का ज्ञान है कि श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, महाराज जनक, दशरथ इत्यादि कौन थे. यही नहीं, उसे यह भी पता है कि शबरी, मारीच, जटायु, विभीषण, इंद्रजीत, सुग्रीव आदि कौन थे. मुझे बड़ा गर्व होता है कि हम बच्चों को किताबी शिक्षा के अलावा पौराणिक गाथाओं के विषय में भी बताते हैं. अनदर वेरी डिफरेंट एंड एनकरेजिंग एक्टिविटी फॉर आवर चिल्ड्रन हैज बीन आवर क्विज शो कौन बनेगा हजारीलाल. KBH और कौन बनेगा हजारीलाल वॉज डिजाइंड एंड प्लान्ड एंड कंडक्टेड इन द सिमिलर फैशन एज कौन बनेगा करोड़पति, द फेमस TV क्विज इज कंडक्टेड बाय श्री अमिताभ बच्चन जी.